मेरा उद्देश्य है कि गरीबों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ जो सरकार अत्याचार कर रही है उसको रोका जाए, और गरीबों के साथ जो न्याय मिलना चाहिए वो मिले। मेरा यही एक उद्देश्य है। हर बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है जिसका कोई लिमिट नहीं, कोई उसका सही दिशा मिलनी चाहिए। हम लोगों का यही एक उद्देश्य है। भीमराव अम्बेडकर जी ने यही कहा था कि हर आदमी को सम्मान मिले, हर आदमी को जो है एक उसको जो है रोजगार मिले जो जी सके। और हम आए दिन गरीब बेचारे फुटपाथ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, कोई समस्या समाधान नहीं है उसका, और उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग आगे आना चाहते हैं, यही उद्देश्य। तो जो आपकी पार्टी है रिपब्लिकन सेना, तो 2022 में क्या तैयारी है इसकी? हमारी तैयारी यह है कि हम 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे, हमको जो है सीटें मिलेंगी, जब सीटें मिलेंगी तो उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम आगे तय होगा। तो जिस तरीके से हर पार्टी भीमराव अम्बेडकर जी के नियम पे और उनके बनाए हुए सारे उद्देश्यों पे चलने के लिए बोलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता का शोषण होता रहता है, तो आपकी पार्टी क्या आम जनता के लिए खास लेकर के आएगी? आम जनता के लिए खास लेकर आएगी, उनको सही न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को जो है रोजगार मिले, नहीं तो उसको सही स्थान पे जो है उसको वो दिया जाए। तो इस पार्टी में कब आपका चयन हुआ है? सन 2018 में इस पार्टी में हमने ज्वाइन किया है, और आनंद राज अम्बेडकर जी ने हमको दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अल्पसंख्यक बनाया है, इसलिए मैं इस पार्टी के लिए जो है सहयोग करूंगा और इस पार्टी को आगे रखूंगा। तो कितने लोग अभी तक आपके द्वारा जुड़ चुके हैं इस पार्टी में? हजारों लोग जुड़ चुके हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त करेंगे? श्याम कुमार जी हैं। आज की बैठक पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यह भीम के बाद में मुद्दा है, मैं सबसे पहले आज की बैठक मैं सहारनपुर से इसलिए आया हूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से पहले मिला, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट ये बोल रही थी पहले कि हम बेटी पढ़ाएंगे और बेटी बचाएंगे, ना तो बेटे सुरक्षित हैं और ना आम आदमी सुरक्षित है। दिन पर दिन बलात्कार हो रहे हैं, दिन पर दिन हत्याएं हो रही है, हर आदमी हर तबके का आदमी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, सब लोग दुखी है। मुझे मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हम ये मनवादी सरकार, ये ब्रह्मवादी सरकार, इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। हम लोगों ने जो 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, हमने उनको भगा दिया। 2022 के अंदर हम लोग, हमारी पूरी तैयारी है, पूरी 403 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे अपने, और मालिक ने चाहा हम कम से कम हमारा 100 विधायक जिताने का टारगेट है, चाहे उसके लिए हमें अपने लोगों को जो हमारे से नाराज है, जो हमारे से दुख किसी कारण से दूर चले गए हैं, उन लोगों को हम साथ लाएंगे, और साथ ला के मिल के जो दलित संगठन है, जो मुस्लिम संगठन है, जो ओबीसी संगठन है, उनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके उन लोगों को एक साथ लाएंगे, एक मंच पे लाएंगे, और उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा, और चुनाव में 2022 में हमारी जीत होगी, 100% जीत होगी, और इस मनवादी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, चाहे इसके लिए हमें रास्ता कुछ भी अख्तियार करना पड़े। हम इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं, ये सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि 74 साल से जो दो पार्टी जिनको एक ही आदमी चलाता है, उसका नाम है मोहन भागवत। मैं डरता नहीं किसी से, मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी हो, क्या योगी आदित्यनाथ हो, मैं डरता नहीं किसी से। मैं इस बात को लखनऊ के अंदर आपके चैनल के माध्यम से
मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम रिपब्लिकन सेना का टाइम है, आने वाला टाइम अम्बेडकरवाद का टाइम है, आने वाला टाइम आम गरीब समाज का टाइम है। हम लोग हर तबके को न्याय देंगे, हर तबके को उसकी पीड़ा समझेंगे, हर तबके को साथ लेके चलेंगे। हम लोगों को हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले वादा किया कि हम जो है सबको न्याय देंगे, आज क्या है, किसान 98 किसान जो खेत में काम करता है उनके ऊपर भरी सर्दी में पानी के बौछारें छोड़ दी गई, वो 98 किसान मर गए, उनको एक भी शब्द किसी एमपी बीजेपी किसी एमपी एमएलए से नहीं निकल पाया। वहाँ पर जो पत्रकार कवरेज करने के लिए गए उन पे देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। जो लोग वहाँ पे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे थे वे लोग उनके ट्रैक्टरों की हवा निकाल ली गई और उनसे मारपीट करके कम से कम अभी भी 80 किसान जेल के अंदर है। हम लोग पूरा बदला लेंगे, कानून से लेंगे। हम ये बता देना चाह रहे हैं इस गवर्नमेंट को कि आगे गवर्नमेंट ये समझ लें, मार्च में 15 मार्च के लगभग आनंद अम्बेडकर साहब आ रहे हैं और हम बता देना चाह रहे हैं कि उस हिसाब से ये कुछ भी घटना होती है ये जिम्मेदारी पूरी इस गवर्नमेंट की होगी और जिला पंचायत चुनाव के लिए हम पूरी तैयारी से हैं और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो जब पार्टी बनती है सभी पार्टी वाले जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करती है, जहाँ पे पार्टी बन जाती है ये वादे एक किनारे हो जाते हैं और सरकार एक किनारे हो जाती है। अगर आपकी पार्टी बनी तो ये सारे मुद्दों पे कार्य किया जाएगा कि नहीं? पूरे हमारी पार्टी बन गई है, बायलॉज तैयार हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सब कुछ हो गया है। ठीक, हम पहले चुनाव भी लड़े थे 2015 में, टेस्टिंग की थी हमने, हमारे आज जिला पंचायत सदस्य है सहारनपुर के अंदर, अभी हमारे जिला पंचायत हमारे एक एक नेता दलबद्ध नहीं है क्योंकि भीमराव अंबेडकर के ही नियमों पे सारी पार्टियां कार्य करने के लिए बात करती हैं, लेकिन जब पार्टी बन जाती है तो वो अपनी नियम और अपने कानून जनता पे थोपने की बात करते हैं। हम लोग तो 74 साल से बैठे हुए थे, केवल केवल कि बाबा साहब के नाम पर काम कर रहे हैं लोग, कुछ लोगों ने काम किया। 74 साल से आप लोग क्यों बैठे हुए थे, आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई थी उसके खिलाफ? हम 74 साल से इसलिए बैठे थे कि कुछ लोग बहन जी काम कर रही थी, उसके बाद फिर कुछ दलित संगठन काम कर रहे थे, अब उनके बस की बात नहीं रही है, इसलिए हमको आना पड़ा। और हम ये नहीं कि उसका आदमी है ये या उसका आदमी है, हम उनके वंशवज बाबा साहब के ओरिजिनल पोते माननीय अनुराय अम्बेडकर साहब, ये पार्टी उन लोगों ने 1952 में रजिस्टर की थी, अब 2014 में रीओपन की है और हम इसको पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे। और शुरुआत जो है हम लखनऊ से करते हैं, लखनऊ से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं शुरुआत। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।